हेलो दोस्तों, बॉन्जोर इंडिया चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ लेटेस्ट व्यूज देखेंगे, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, पूरे कश्मीर के लेटेस्ट व्यूज देखेंगे। साथ ही गुलमर्ग गंडोला यानी केवल कार को लेके बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं, उसे भी हम दूर करेंगे दोस्तों। साथ ही सोनमर्ग के आज के वीडियोज हैं, अभी के वीडियोज हैं। एक्चुअली पूरे कश्मीर में अभी वेदर खराब चल रहा है, सोनमर्ग में, गुलमर्ग में बारिश हो रही है, खासकर सोनमर्ग में हैवी रेनफॉल हो रही है। साथ ही वीडियो के एंड में एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है, स्पेशली आप लोगों के लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो वीडियो है आपके सामने, ये है गुलमर्ग फेज वन से जब आप फेज टू की ओर जाएंगे तो ऐसा सीन आपको मिलेगा। ये एक टाइम लैप्स वीडियो दोस्तों, जिसे हम स्लो करके आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों फेज वन में स्नो नहीं है, बट यहाँ से अगर आप पोनी राइड लेते हैं खिलनमर्ग रूट से तो आपको स्नो मिल जाएगा। और ये देखिए फेज टू अभी आने ही वाला है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो। ये आपको इंस्टा पे ओरिजिनल वीडियो दिख जाएगी दोस्तों। हमारे एक व्यूअर जिन्हें हमने पर्सनली गाइड किया था, उन्होंने ये स्पेशली आप लोगों के लिए भेजा है। आप समझ सकते हैं कि फेज वन से फेज टू की ये जो जर्नी है कितनी खूबसूरत होती है दोस्तों। दोस्तों अब एक एक करके हम डाउट्स क्लियर करेंगे जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं ऑनलाइन टिकट्स करा रहे हैं वो गंडोला के लिए। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आपको कुछ बातों को क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों आप ऑनलाइन टिकट करा रहे हो तो भी आपको लाइन लगना होगा, क्यों में वहाँ आना होगा, क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन टिकट्स ही करा रहे हैं। अराउंड 20 दिन पहले से ऑफलाइन टिकट्स, काउंटर टिकट्स जो हैं डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं दोस्तों। काउंटर टिकट्स को डिसकंटिन्यू करने की वजह से टूरिस्ट को बहुत ही परेशानी हो रही है, जिन्हें अवेयरनेस नहीं है ऑनलाइन साइट के बारे में, वो टिकट्स नहीं करा पा रहे हैं और बिना गंडोला राइड लिए ही उन्हें वापस जाना पड़ रहा है दोस्तों। फिर भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके पास गंडोला के टिकट्स नहीं है तो यहाँ पर आप आके कैसे स्नो एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए आप लास्ट वीडियो अच्छे से देखें दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा 9:30 के अराउंड आज की ये पिक थी दोस्तों, कितनी लंबी क्यू थी। बट ऐसा नहीं है कि 9:30 के अराउंड आपको हर दिन ही ऐसी क्यू मिलेगी, ये ईद ब्रेक के वजह से ऐसा क्यू आज देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप यहाँ 9:30 के अराउंड पहुँच जाते हैं, सुबह 9:30-10 के आप बहुत जाते हैं नॉर्मल दिनों में, तो आपको ज्यादा क्यू नहीं मिलेगी दोस्तों। जिस दिन आपकी गुलमर्ग की ट्रिप है उससे 4 से 5 दिन पहले एटलीस्ट आप ऑनलाइन टिकट्स करा ले, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऑफलाइन टिकट्स तो हो नहीं रहे हैं जो कि आप वेट करोगे ऑफलाइन टिकट्स के लिए, आपको ऑनलाइन टिकट्स ही यहाँ आना है, तो पहले से करा कर रखे दोस्तों। अगर वेदर के वजह से राइड कैंसिल होती है या कोई भी दूसरे वजह से राइड कैंसिल होती है, क्योंकि जनरली ये कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं देते कैंसिल करने से पहले, तो अराउंड 1 महीने का टाइम लगेगा, आपका रिफंड आपको आ जाएगा दोस्तों। ईमेल आईडी भी लास्ट वीडियो मैंने बताया था स्क्रीनशॉट के साथ, वो भी आप देख लीजिए। तो जिन लोगों का प्लान फिक्स है कि इस दिन ही उन्हें गुलमर्ग में रहना है, गंडोला राइड करनी है, उन्हें एटलीस्ट 4 से 5 दिन पहले टिकट्स करा लेने चाहिए गंडोला के। और जिनके डे ट्रिप्स है, श्रीनगर से ही वो गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम जा रहे हैं, वो 1-2 दिन और वेट एंड वॉच कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके डेट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे हम स्टे करना है, उसी दिन जाना है तो उसी दिन गंडोला लेना होगा, तो कुछ दिन और आप 1-2 दिन आप वेट एंड वॉच कर लें, वेदर देख लें। वेदर अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसीजन ले सकते हैं। सपोज किसी दिन फिक्स हो जाता है कि इस दिन जो है हैवी रेनफॉल दिखा रहा है पूरे कश्मीर में, तो इफ पॉसिबल उस दिन आप लोकल ट्रिप कर सकते हैं और गुलमर्ग किसी और दिन के लिए रख सकते हैं दोस्तों। बट आपको साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इस सीजन पे आप ज्यादा दिन वेट नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपको गंडोला राइड करना है तो आपको रिस्क लेना होगा, कम से कम 3 दिन पहले, 2 दिन पहले एटलीस्ट आपको टिकट्स करा लेने होंगे दोस्तों। अभी ईद के अराउंड लोगों को 4-5 दिन पहले भी टिकट्स नहीं मिल रहे थे, तो अभी तो ऐसा सीन नज़दीक में नहीं होने वाला है, फिर भी एक सेफ साइड में आपको रहना चाहिए दोस्तों। गुलमर्ग फेज टू में 20 से 25 दिन और ठीक ठाक स्नो रहेगी, उसके बाद स्नो काफ़ी कम हो जाएगी दोस्तों। और ये आपके सामने लीडर रिवर पहलगाम, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे अरू वैली की तरफ तो आपको ये सीन देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी फ्लो हो चुकी है लीडर रिवर में दोस्तों, इसलिए राफ्टिंग भी काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं। राफ्टिंग के चार्जेस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अराउंड 680 पर हेड फिक्स चार्जेस है, बट 12 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए ये अलाउड नहीं है दोस्तों। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं 2-3 दिन के लिए तो पहलगाम बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। फुल फ्लैश ट्रैकिंग भी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पहलगाम में, जैसे ट्यूलियन लेक ट्रैक हो गया, शेषनाग लेक ट्रैक हो गया। यहाँ बाइसरन पोनी राइड के अलावा अरू बेताब चंदनवारी कैब ट्रिप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने लोग रहोगे उतना आपका फायदा है, ज़्यादा लोग पे कम जो है पर हेड
कॉस्ट आएगा यहाँ साइट सीइंग के, एक्टिविटीज के। साथ ही जो स्कैमर्स हैं, जो बहुत ज्यादा रेट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं, उससे भी आप बहुत हद तक बच सकते हैं, सेफ फील कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने जो सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जिन लोगों ने पर्सनल गाइडेंस ली है उनके लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप रन कर रहे हैं। उसमें हम ट्राई करते हैं कि किसी एक दिन जहाँ भी हमारे टूरिस्ट जा रहे हैं, सपोज 5-6 कपल्स जा रहे हैं सोनमर्ग, तो हम ट्राई करते हैं वहाँ पे उनको एक साथ लाया जाए, ताकि अगर उन्हें लोकल एक्टिविटी करनी हो या फिर लोकल कैब से लोकल साइट सीइंग करनी हो, जैसे जीरो पॉइंट हो गया सोनमर्ग में, लेक बल्टाल भी ओपन हो चुकी है लोकल साइट सीइंग के लिए, उसी तरह पहलगाम में ABC टूर है, तो यहाँ पे इनको साथ लाया जाए ताकि इनके जो एक्सपेंसेस है ओवरऑल कम हो जाए दोस्तों। तो ये कुछ लेटेस्ट पिक्स हैं पहलगाम गुलमर्ग के, इन कपल्स को फैमिलीज को हमने पर्सनली गाइड किया था और इन्होंने ये पिक्स भेजे हैं ताकि हम आपको यहाँ के लेटेस्ट व्यूज दिखा सके दोस्तों। ये चंदनवारी में कितनी स्नो आप देख सकते हैं, ये गुलमर्ग फेज 2, ये भी चंदनवारी के पिक है दोस्तों। और ये चंदनवारी में जो रिवर मिलेगी आपको बहुत ही खूबसूरत है। और ये दोस्तों आज की सोनमर्ग की पोनी राइड की वीडियो आपके सामने। अभी शाम में यहाँ बारिश हो रही है, सुबह भी यहाँ पे बारिश हो रही थी बट मैनेजेबल था, बट अभी शाम में यहाँ काफ़ी बारिश होने लगी है सोनमर्ग में, गुलमर्ग में भी बारिश हो रही है। सोनमर्ग और पहलगाम ये सबसे ज़्यादा करप्ट बन चुके हैं यहाँ कश्मीर में दोस्तों एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट डाला है, मैं फिर से अपडेट डालूंगा कि यहाँ पे कैसे जो है कंफ्यूज किया जा रहा है टूरिस्ट को। इन सभी बातों की अवेयरनेस आपको होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसे फूक कर आने वाले हो। सोनमर्ग में यहाँ बस एक ही एक्टिविटी है, वो है थाजीवास ग्लेशियर तक पोनी राइड दोस्तों। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि अभी यहाँ पे थाजीवास ग्लेशियर पे स्नो नहीं है, हम ABC कोई और ग्लेशियर आपको ले चलेंगे, वहाँ आपको स्नो मिलेगा। और उसके लिए 4-5 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट डिमांड किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे थाजीवास ग्लेशियर को छोड़कर और कोई ग्लेशियर नहीं है दोस्तों, जो कि सोनमर्ग मेन रोड से 3.5 किलोमीटर अंदर की तरफ है। इसे जाने आने में आप 2.5 घंटे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ का आपको लग जाता है। और भी बहुत अलग अलग तरीकों से आपको कन्फ्यूज करने का ट्राई किया जाएगा और कभी कभी बदतमीजी पे भी उतर जाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि यहीं पे थाजीवास ग्लेशियर है और कोई ग्लेशियर यहाँ पे नहीं है, अभी आपको आगे वीडियो में भी क्लियर हो जाएगा। और ये आपके सामने थाजीवास ग्लेशियर, जो सीधे पे आपको स्नो दिख रहा है दोस्तों व्हाइट, वो था थाजीवास ग्लेशियर। ये आसपास आपको अभी स्नो मिलेगा और आपको रास्ते में स्नो नहीं मिलेगा दोस्तों। अभी आप पीछे साइड यहाँ देखोगे वीडियो में, ये रास्ता है जो आप अभी देख रहे हो, उस साइड से आप आओगे, इस साइड से आप आएंगे और लेफ्ट साइड में यहाँ पे थाजीवास ग्लेशियर है। सिर्फ सोनमर्ग ही नहीं, यहाँ पूरे कश्मीर में आपको बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के वजह से यहाँ का नाम खराब होता है दोस्तों। इसलिए अच्छे से आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, सारे वीडियोस आप अच्छे से देखें, टेलीग्राम से जुड़ें, ताकि आप अच्छे एक्सपीरियंसेस, अच्छे मेमोरीज लेकर अपने घर आए, ना कि आप स्कैम होकर या बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ आप घर जाएं। तो सभी बातों का ध्यान रखना, टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि बहुत सारी अपडेट है जो उस पर पहले दी जाती हैं, यूट्यूब पर आने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। तो ये थे आज के अपडेट्स दोस्तों। साथ ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एंड में एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जल्द ही ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जून में जो है डेट्स चूज किया जाएगा, टेलीग्राम पे आपको इसके लिए नोटिस दे दिया जाएगा। अभी इस सीजन में जो कि जून एंड तक चलेगा, ये पीक सीजन दोस्तों, इसमें ग्रुप टूर काफ़ी अच्छी आइडिया है। आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा सिक्योर फील करोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, इन्जॉय करोगे और साथ ही काफ़ी कम एक्सपेंसेस में आप बहुत अच्छी ट्रिप कर सकते हैं दोस्तों। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जून में आना कितना सही रहेगा, मैं आपको बता दूं, स्नो आपको जून में 0 पॉइंट के आसपास मिलेगी, गुलमर्ग में आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, बहुत कम फेज 2 में मिलेगी। बट आप ये भी जान लो कि कश्मीर अभी से बहुत खूबसूरत उस टाइम दिखेगी। और साथ ही जिन लोगों को भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, जो लोग पीसफुल वे में अपना ट्रिप कम्प्लीट करना चाहते हैं, ना कि जल्दबाजी करके, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम हो सकता है दोस्तों। तो जल्द ही टेलीग्राम में इसके लिए आपको अपडेट्स दिया जाएगा, तब तक के लिए बने रहिए। मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।